हेलो, मैं नीलेश आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने चैनल सफ़र पे पर। और इस समय है मेरे पास होंडा हाइनस सीवी 350 जो मैं राइड कर रहा हूं। आज मैं लेके जाऊंगा आपको हैवी ट्रैफिक के अंदर, यहां पे चेक हो जाएगा कि बाइक का कंट्रोल कैसा है, इसकी हैंडलिंग कैसी है और आसानी रहती है कि मुश्किल आती है इसको कंट्रोल करने में ट्रैफिक में, जहाँ पर स्लो मूवमेंट होती है ट्रैफिक की या फिर कई जगह बाइक खड़ी हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि बाइक काफ़ी हल्की है, बाइक अच्छी खासी भारी है, 181 kg इसका वेट है और 350 cc की बाइक है। तो इतनी भारी बाइक, जैसे आप रॉयल एनफील्ड चलाते हो तो उसका मुझे वैसे पूरी तरह से आइडिया नहीं है कि कितना उसकी हैंडलिंग अच्छी है ट्रैफिक के अंदर, मगर मैं आपको इसका बता दे दूँगा आज कि इसकी ट्रैफिक में कैसी परफॉर्मेंस रहने वाली है। तो बस अभी थोड़ी सी आगे जाकर जो है हमको मिलने वाला है एक थोड़ा बड़ा सा ट्रैफिक, तो वहाँ पहुँच के मैं बताता हूँ एक्चुअली कैसा इसका हैंडलिंग रहेगा ट्रैफिक के अंदर। कई सारे लोग जाना चाहते होंगे जो सिटी राइड्स के लिए बाइक को ख़रीदना चाहते हैं, वो जानना चाहते होंगे कि बाइक की जो सिटी कंडीशन में जो ट्रैफिक में परफॉर्मेंस है, हैंडलिंग है, वो कैसी है। तो उनके लिए खासकर ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। और मैं जल्दी मैं निकलने वाला हूँ अपनी एक नई ट्रिप पर जो कि होने वाली है उत्तराखंड की, और आपको जल्दी उसका अपडेट भी आ जाएगा। तो फ़िलहाल हम चल रहे हैं अभी ट्रैफिक कंडीशंस को चेक करने, टेस्ट करने कि कैसा रहता है ट्रैफिक में से गाड़ी को निकालना। ज़रा मैं यहाँ से निकल जाऊँ पहले। ये कोई ट्रैफिक नहीं है, ये बस स्टॉप है जहाँ पे लोगों ने खामा खाम भीड़ जमा कर रखी है। तो बाइक जो है चलाने में तो काफ़ी कंफर्ट है। देखो ये गड्ढे आ रहे हैं, देखो अब इनमें निकालता हूँ, कितने आराम से। एक्चुअली गियर थोड़ा ज़्यादा लगा हुआ था, थोड़ा कम करना चाहिए था, मगर फिर भी बहुत ही स्मूथ तरीके से मेरे को झटका नहीं लगा। मैं बैठा हूँ जिस पोजीशन में, आज पीले मेरे साथ नहीं है, मैं अकेले गाड़ी चला रहा हूँ, तो केवल राइडर है इस बाइक पर आज। और मैंने अभी जो गड्ढे से गाड़ी निकाली उसमें बिल्कुल भी मुझे पता नहीं चला किस तरह का जो इसकी स्टिफनेस होती है ना, वो बिल्कुल भी पता नहीं चली मुझे। काफ़ी कंफर्टेबली मैंने जो है बाइक निकाल ली उन गड्ढों से। मतलब ये आपकी गाड़ी अगर इस तरह के गड्ढों में गलती से चली जाए तो आपको ऐसे झटके नहीं लगने वाले जिसमें आपको पेन हो जाए बैक में या कोई दिक्कत आ जाए, मेरे को तो ऐसे लगता है। चलिए हो गई ग्रीन बत्ती, चलते हैं। तो ये मैं एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ जिसमें केवल मैं आपको ये ट्रैफिक के बारे में बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। और आज काफ़ी कम है, यहीं से ट्रैफिक चालू हो जाता है, आज तो बहुत कम ट्रैफिक है यहाँ पे नाम का बिल्कुल। चलिए फिर भी स्पीड मेरी बहुत कम है और करीब 20 की स्पीड में चलानी पड़ी है यहाँ पर सेकेंड गियर पर। तो बाइक को मुझे घुमाने में तो कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, अभी देखता हूँ आगे, देखता हूँ यहाँ पर थोड़ा आता हूँ पास में, तब देखते हैं। यहाँ से थोड़ा धीरे चलेगा ट्रैफिक, तो बाइक की हम हैंडलिंग चेक कर सकते हैं। मैं और धीमे कर लूँ, बाइक की हैंडलिंग चेक कर सकते हैं। बिल्कुल सीधी चल रही है बाइक, बिल्कुल सीधी, ऐसा नहीं है कि बाइक इधर उधर भाग रही है आपकी हैंडलिंग में, आपके जोर पड़ रहा है, बाइक का वेट काफ़ी है और चलाने में बिल्कुल भी फील नहीं होता है, लगता है बिल्कुल हल्की आप हवा में उड़ रहे हो इस तरीके से लगता है आपको, बिल्कुल हवा वाली फीलिंग आती है आपको, बहुत हल्की फीलिंग आती है। तो बाइक देखो कितने आराम से बिल्कुल सीधी 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 चली आ रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है मैं चलाने में। यहाँ भी मैं अपने हिसाब से ऐसे मूव कर सकता हूँ, देखो कितने आराम से हैंडलिंग देखो। और मेरी जो हाइट है वह है 5 फुट 5 इंच, तो मेरा पैर जो है पूरी तरह से नीचे नहीं टिकता है, तो मेरा जो टो है आएगा वो थोड़ा सा और उससे ज़्यादा नीचे मैं टिका सकता हूँ। तो उस कंडीशन में अगर मैं ट्रैफिक में फंसा हूँ तो मैं बाइक को बहुत ही आराम से जो है बहुत ही आराम से कंफर्टेबली मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ। आपके बारे में दिखा दूँ कि मेरे जो हाइट है उसके हिसाब से मेरा पैर कैसे पड़ता है नीचे, देखते हैं दिखा सकता हूँ कि नहीं दिखा सकता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, मेरा जो पैर है वो कुछ इस तरीके से ऐसे थोड़ा और नीचे रहेगा, थोड़ा झुकाऊंगा बाइक को, तो बाइक मेरी तरफ थोड़ी झुकी हुई है और पैर इतना मेरा जो है नीचे पड़ रहा है कुछ इस तरीके से। पूरा नीचे करने के लिए भी बाइक बहुत झुकानी पड़ेगी, देखो ऐसे पैर पड़ गया, मगर बाइक को काफ़ी झुकाना पड़ता है मेरी तरफ। तो आप ट्रैफिक में इतना झुक के आप आराम से खड़े हो सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको खड़ा होना पड़ रहा है ट्रैफिक में तो चलना पड़ रहा है, तो आपका पैर आराम से इस तरीके से
रोक कर रखेगा बाइक को, बाइक में कोई भी आपको हैवीनेस फीलिंग नहीं आएगी। तो चलिए, मैंने केवल इस ट्रैफिक कंडीशन में एक वीडियो आपको बताना चाहा कि सिटी राइड करते हुए अगर आप ट्रैफिक में फंसते हो तो वहाँ पर बाइक कैसा परफॉर्म करेगी, किस तरीके से इसकी हैंडलिंग रहेगी और आपको दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी। तो उस चीज़ का मैंने एक आपको टेस्ट करके बताया, चेक करके बताया मैंने, और फाइनली यही बात सामने आती है कि ट्रैफिक कंडीशंस में इसकी हैंडलिंग बहुत ही प्यारी है, बहुत ही स्मूथ है, गाड़ी बिल्कुल सीधी सीधी निकल के जाएगी, बड़े प्यार से गाड़ी जो आपकी ट्रैफिक में से जाम में से निकल जाएगी, आपको कोई फैटिक नहीं होगा, कोई थकान नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। सो होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए फ्रेंड्स के साथ, जिनको बाइक ख़रीदनी है, चाह रहे हैं बाइक ख़रीदना, उनके साथ भी शेयर कीजिए। करता हूँ यहीं पे अपनी वीडियो का दी एंड, और मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, एक नए सफ़र पे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, और हाँ, जब भी सफ़र पे निकलें तो सफ़र पे याद रखना।